हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप लोग फिर से हैं अपने YouTube चैनल रेड अड्डा पर। दोस्तों, आज का जो हम लोग का बात करने का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो आपको कितने खर्चे आएंगे, आपका कितना बजट होना चाहिए स्पीति वैली कवर करने के लिए। इसके पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीति वैली जाएं कैसे, उसका रूट क्या होगा और वहाँ पे कौन कौन सी घूमने की अच्छी जगहें हैं, कैसे वहाँ पे जाएं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप स्पीति लोकल स्पीति वैली कवर कर रहे हैं तो आपको कितना खर्चा आने वाला है और कितना आपका बजट होना चाहिए। दोस्तों, इसको बात करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए और बना सकूं। तो ऐसे किसी भी ट्रिप में जो मेन खर्चे होते हैं वो चार तरह के खर्चे होते हैं। जो सबसे पहला खर्चा है वो है फूडिंग, दूसरा खर्चा है वो है लॉजिंग, तीसरा खर्चा है वो है फ्यूल और चौथा खर्चा है जो है बाइक का मेंटेनेंस। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि इनमें कितना आपका बजट आने वाला है। तो जो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फूडिंग के बारे में। हम लोग का फूडिंग कितना आएगा इस ट्रिप में। तो हम लोग इस ट्रिप को दिल्ली टू दिल्ली कवर कर रहे हैं। दिल्ली टू दिल्ली जो नॉर्मली कवर करने में टाइम लगता है वो 10 दिन का लोग कवर करते हैं, मैक्सिमम लोग 10 दिन में कवर करते हैं। जो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं वो 8 दिन में कवर कर लेते हैं, जो बहुत तो मतलब कि स्लो जाते हैं वो 12 दिन में कवर करते हैं, इससे ऊपर आपकी मर्जी है। तो 8 से 12 दिन का जो वो होता है ये टाइम पूरा लगता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कवर करने में, मतलब दिल्ली चंडीगढ़ शिमला होते हुए आप नाको ताबो और काजा होते काजा पहुंचेंगे और काजा से फिर आप चंद्रताल से होते हुए बताल से होते हुए आप मनाली आएंगे रोहतांग पास के रास्ते। तो ऐसे आप कवर करेंगे तो आपको लगभग लगभग 1500 किलोमीटर होते हैं और वो जो कवर करने में टाइम लगता है वो 8 से 12 दिन लगता है। तो जो इसका एवरेज हम लोग मानेंगे वो मानेंगे हम लोग 10 दिन, यानी इस ट्रिप को हम लोग 10 दिन का मान के चल रहे हैं। और दिल्ली टू दिल्ली में कितने आपके बजट आने वाले हैं, एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला इसमें जो एक्सपेंसेस है वो है फूडिंग का। तो आप जब सिटी के आस पास होंगे जैसे दिल्ली कुल्लू मनाली चंडीगढ़, तो एक दिन का जो फूडिंग का जो आपको खर्चा आएगा वो आएगा 500 के आसपास। और जब फिर रिमोट एरिया में होंगे तो वो एक दिन का जो खर्चा आएगा वो लगभग 300 के आसपास आएगा। तो इसका जो ऑन एंड एवरेज हम लोग 10 दिन का निकालेंगे वो पर दिन का जो फूडिंग का खर्चा आएगा वो 400 आएगा। यानी अगर ऑन एंड एवरेज पूरा देखा जाए तो जो फूडिंग का खर्चा पर डे का आने वाला है वो है 400 और 10 दिन अगर आप रुक रहे हैं तो आपका फूडिंग का खर्चा हो गया 4000। यानी 10 दिन का जो फूडिंग का खर्चा आएगा पूरे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने में, बाइक ट्रिप करने में, वो फूडिंग का खर्चा आपको आने वाला है 4000 रुपए। जो हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं वो है लॉजिंग, जो मेन आपका खर्चा होता है, रुकने का खर्चा काफी पड़ता है। लॉजिंग की बात करें तो आपका अलग अलग जगह जो है आपका जो रुकने का वो स्टे का जो खर्चा होता है वो अलग अलग होता है और अपने बजट पे भी डिपेंड करता है। अगर अपने आप बजट को बिल्कुल कॉम्पैक्ट रख रहे हैं, बात के रख रहे हैं, तो आप शिमला में, कुल्लू में, मनाली में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में 1500 के आसपास आपको रूम मिल जाएंगे। और अगर आप दो लोग हैं तो आपका पर हेड 750 के आसपास मिलेगा। किसी किसी कंडीशन में रूम्स नहीं अवेलेबल होते हैं तो आपको 2000 तक भी देने सकते पड़ सकते हैं, 2500 के आसपास भी देने पड़ सकते हैं। यानी जो आप सिटी एरिया होता है, डेवलप्ड एरिया होता है, वहाँ आपका रुकने का जो लॉजिंग का खर्चा आएगा वो पर पर्सन एक दिन का जो आएगा वो 800 से लेके 1000 आ सकता है। और जो रिमोट एरिया है वहाँ पे जो लॉजिंग का खर्चा आएगा वो पर दिन पर डे का जो होगा वो आपका लगभग लगभग आ जाएगा 600 से लेके और 800। तो ऑन एंड एवरेज निकाला जाए तो लॉजिंग का जो खर्चा होगा वो पर डे का जो होगा आपका 800 आएगा और 10 दिन का लॉजिंग का खर्चा आपका हो गया 8000 रुपए। तो पहले हम लोग जो फूडिंग का ऑन एंड एवरेज जोड़े थे वो 4000 था 10 डेज का, और जो अभी हम लोग लॉजिंग का देखे हैं ऑन एंड एवरेज 10 डेज का 800 पर डे के हिसाब से वो हो गया 8000। तो अभी तक हम लोग का जो फूडिंग और लॉजिंग का कॉस्ट हो गया वो हो गया 8000 लॉजिंग का एंड 4000 जो है वो फूडिंग का, तो वो हो गया आपका 12000। दोस्तों, तीसरा जो हम लोग खर्चा बात करने वाले हैं वो है फ्यूल। फ्यूल का जो खर्चा होता है वो बाइक के माइलेज पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम गाड़ियां जो लोग यहाँ पे लेके जाते हैं उनका माइलेज, जो गाड़ियों का माइलेज होता है वो 20 से लेके 40-45 के बीच में वेरी करता है। तो जो एवरेज हम लोग निकाले, आपकी गाड़ी हो सकती है कि 30 की माइलेज दे और कोई और ले जा रहा है, जैसे मान लीजिए इंटरसेप्टर ले जा रहा है तो उसकी गाड़ी नॉर्मली जो है 25 की माइलेज देती है, लेकिन जब वहाँ पे रिमोट एरिया में जाएंगे, पथरीले रास्तों पे जाएंगे तो वैसे भी माइलेज घट के उनका 20 आ जाएगा। तो अलग अलग बाइकर्स की बाइक पे डिपेंड करेगा, उसकी कौन सी बाइक है उस हिसाब से फ्यूल का खर्चा आएगा। एक हम लोग रफ आइडिया लगा रहे हैं कि मान लीजिए आपकी बाइक जो है 400 सीसी की है और नॉर्मल रोड्स पे हाईवे पे वो 30 के आसपास का माइलेज देती है,
क्योंकि वो रिमोट एरिया है, ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा है, पत्थर ज्यादा है, तो वहाँ पे माइलेज नो डाउट गिरेगी। तो माइलेज जो है वो 21-22 के आसपास रहेगी ऐसी गाड़ियों का। तो अगर 21-22 के आसपास आपकी गाड़ी का माइलेज और आप दिल्ली टू दिल्ली कवर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सर्किट कवर करने में आपको 1500 किलोमीटर लगने वाले हैं। अगर पूरा का पूरा सर्किट आप 1500 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो 1500 का जो हम लोग का 20 के हिसाब से गाड़ी उनकी माइलेज दे रही है तो लगभग 75 लीटर तेल जो है खपवाने होंगे इस पूरे के पूरे सर्किट को कवर करने में। और अगर 75 लीटर तेल का हम लोग 85 जो आजकल रेट चल रहा है पेट्रोल का उस हिसाब से जोड़ा जाए तो 75 लीटर पेट्रोल इंटू 85 जो आपका रेट आया वो 6375 मतलब 6375 रुपए जो है आपको पेट्रोल पे यानी फ्यूल पे आपको खर्च करने पड़ेंगे। जो फ्यूल का डाटा है वो वेरी करेगा दोस्तों, अगर आपकी बाइक ज्यादा पावरफुल है कम माइलेज देती है तो आपके लिए फ्यूल का खर्चा आने वाला है वो लगभग जो अभी हमने जोड़ा 20 लीटर माइलेज दे 6350 ये वेरी कर सकती है प्लस माइनस 1000 ये जो वेरिएशन हो सकता है। इसको हम लोग लास्ट में जब लोग पूरा जोड़ के देखेंगे तो हम लोग टोटल प्लस माइनस 2000 कर देंगे। यानी अगर आपकी बाइक जो है वो ज्यादा माइलेज देती है 45 के आसपास का माइलेज देती है तो वो थोड़ा सा आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए ताकि मैं और ऐसा वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।